ईशा को किस करते हुए पकड़ा गया समर्थ, मेरी आंखें हर जगह पर रहती है और ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी आंखों से कुछ चीज बच जाए, क्योंकि मुझे भाई इन सब चीजों के ऊपर गॉसिप करना बहुत ज्यादा पसंद है और मैं तो गॉसिप जो है ना ढूंढती रहती हूँ, ढूंढती रहती हूँ भाई किसके ऊपर गॉसिप होगा, किसके ऊपर गॉसिप होगा। तो इसी के ऊपर अब गॉसिप होगा। पहली बात ये है, दिल विल से नहीं निकाला ईशा ने अभिषेक को, पता आपको, मतलब कि वो तो निकल चुका है, मोहल्ले में घूम रहा है, वो भटक रहा है, पर ईशा भी दिल के रूम में नहीं है। ईशा जो है आ चुकी है समर्थ के पीछे पीछे दम में, और दम में ये दोनों बेड शेयर कर रही हैं, दोनों सो रही हैं साथ में, और अभी गुड नाइट हो चुकी है। अब जो है समर्थ कर रहा है चीक्स पे किस अपनी ईशा को, ऐसा ऐसा किस कर रहा है भाई, पता नहीं यहाँ पर अब और ही कुछ ना हो जाए। और यार मैंने आपके कमेंट्स देखे, अभिषेक के ऊपर सबको बहुत ज़्यादा बेचारा फील हो रहा है, पर अभिषेक जो है अभी बहुत ज़्यादा समझ चुका है, बहुत मैच्योरली हैंडल कर रहा है एक्चुअली मैं इस चीज़ को, पर मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है अभिषेक के ऊपर। अभिषेक अगर वहाँ पर होता, जब समर्थ किस कर रहा था ईशा को, तब क्या होता सोचो, वो कितना भी कंट्रोल कर ले बंदा फिर फूट फूट के रोने लग जाता। एक तो घर का नहीं है और दूसरा घाट का भी नहीं रहता, ऐसी हरकत होती। पर यार किसी दुश्मन के साथ भी ना ऐसा नहीं करना चाहिए जो अभिषेक के साथ बिग बॉस ने किया है। पर ईशा की सच्चाई तो सामने आनी चाहिए थी। ये अब आज थोड़ा हर्ट हो लेगा, कल थोड़ा हर्ट हो लेगा, आखिर आखिर तो इसको एटलीस्ट कोई अच्छी लड़की, क्योंकि ये बंदा बहुत प्यारा है, क्योंकि इसके इसके प्यार करने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे तरीके मुझे अच्छे लगते हैं और मैं भी ऐसे ही प्यार करती हूँ। आप लोगों को मैंने अपना सीक्रेट बता दिया। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।